इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए, अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? ये महिला एक हिंदू पत्रकार है जिसका नाम सुष्मिता सिन्हा है। ये हिंदू शास्त्रों किताबों को टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है। इस किताब पर हिंदू देवी देवता भगवान शिव, देवी पार्वती छपी हुई हैं और इस वीडियो से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं। जिस किताब की ये महिला बात कर रही है उस पर हिंदू देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर छपी हुई है। कुल मिला जुला कर इस वीडियो से हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं और ट्विटर पर #अरेस्ट सुष्मिता सिन्हा #1 पर ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले यूपी की प्रयागराज पुलिस ने ऐसे ही एक वीडियो की वजह से हीर खान नाम की एक महिला को अरेस्ट किया है, जिसने भी हिंदू देवी देवताओं को वीडियो में भर भर के गाली दी थी। हीर खान का वीडियो तो इतना घटिया और गालियों से भरा हुआ था कि उसे तो सुना भी नहीं जा सकता। भाजपा के प्रवक्ता और भी कई लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किया है सुष्मिता सिन्हा के खिलाफ। उधर सुष्मिता ने भी अपना पूरा वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है और बोला है कि लोग इस वीडियो का आधा अधूरा पार्ट ही चला रहे हैं इंटरनेट पर। देखिए पूरी वीडियो। नॉर्थ इंडिया में एक त्योहार काफी फेमस है जिसे हम तीज के नाम से जानते हैं। इस त्योहार में औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं, जिसमें उन्हें पानी पीना तक मना होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये त्योहार मिसोजिनिस्ट यानी नारी विरोधी है तो शायद आप मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए मुझे आपको खुद से कुछ भी बोलने की या बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस किताब का एक पन्ना आपको पढ़कर बताऊंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। जिन लोगों को इस किताब के बारे में नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि इस किताब की कथा को सुने बगैर तीज का व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जो स्त्री भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ये व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वो 7 जन्मों तक बाध्या, बाध्या का मतलब लाचार, रहती है एवं जन्म जन्म विधवा हो जाती है। वो सदा दरिद्र मतलब कंगाल, गरीबी, पुत्र शोक में शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, सुकरी मतलब सुअर, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य चीजें खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने पर मुर्गी होती है। तो सुना आपने, इस किताब में कई तरीके की नारी विरोधी बातें लिखी गई हैं और कहीं भी इसमें पुरुषों के लिए इस तरीके की बातों का मेंशन नहीं है। तो आप खुद ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये किताब नारी विरोधी है या नहीं। इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए, अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? मुझे तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी उतना ही बुरा लगा है। अगर तुम्हें किसी देवी देवता या किसी और धर्म के भगवान से कोई दिक्कत है तो तुम मत पूजो उस धर्म को, लेकिन उनके देवी देवताओं को गाली देना कहाँ तक ठीक है? और अगर इस किताब में महिलाओं के लिए इतना ही कुछ बुरा लिखा हुआ था तो इस किताब को ना पढ़ती, ना व्रत करती ये वाला, लेकिन इसके बदले उस किताब को टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने की बात करना बहुत गलत है। इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू।